हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कीवा नेक्स्ट जनरेशन वाटर आयोनाइजर मशीन, जो जनरेट करती है 5 types ऑफ वाटर, जो आप अपनी मर्जी के अनुसार इस मशीन से निकाल सकते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग हम अभी शेयर करने वाले हैं। इससे पहले हम इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप इस बॉक्स में देख पा रहे हैं, इसमें कंपनी ने काफी कलरफुल पिक्चर ऐड की हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के रिगार्डिंग। इसमें लार्ज प्लेटिनम कोटेड टाइटेनियम इलेक्ट्रोड 9 plates अवेलेबल है। जी हाँ फ्रेंड्स, 9 plates। इसके अलावा LCD बिग स्क्रीन है, जिसमें अलग अलग डिफरेंट कलर्स शो होते हैं। जब भी आपने कोई वाटर चूज करना है, जैसे कि एल्कलाइन वाटर आप चूज कर रहे हैं, उसका कलर आएगा ब्लू और वायलेट। एसिडिक के लिए आएगा रेड या येलो, न्यूट्रल के लिए आएगा ग्रीन। इसके अलावा अगर फिल्ट्रेशन की बात करें तो इसमें 2 types के बड़े बड़े फिल्टर लगे हुए हैं, जो वाटर को प्रॉपर तरीके से फिल्टर भी करेंगे और मिनरल्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें SMPS पावर सिस्टम भी अवेलेबल है, जो आजकल आप देख सकते हो HDTV हो या LED स्क्रीन में अवेलेबल होता ही है, जो कि वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें ऑटो क्लीनिंग सिस्टम भी है, जबकि दूसरी कंपनीज के आयोनाइजर के ब्रांड्स में आपको यूजुअली मैनुअली क्लीनिंग का ऑप्शन ही मिलेगा, बट इस मशीन में आपको ऑटो क्लीनिंग का ऑप्शन मिल रहा है, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर हम बात करें तो इसे इस बॉक्स के दूसरी तरफ इसमें अलग अलग से 2 pictures दिए हुए हैं, जैसे कि pH स्टेप, जिसके साथ दिया हुआ है यूसेज ऑफ एल्कलाइन आयोनिक वाटर डिस्क्रिप्शन। इसमें 4 steps दिए हुए हैं। सबसे पहले है प्यूरिफायर। प्यूरिफायर में ये इंडिकेशन दिया हुआ है कि ये जो वाटर है आप किसी भी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं। उसके बाद 1 step में आप देख पा रहे हैं 8 से 8.5 pH वाटर, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर है और इसके साथ हैंगओवर से रिकवरी के लिए या जो जिम में वर्कआउट करते हैं उनको रिहाइड्रेशन के लिए यह वाटर यूज हो सकता है। सेकेंड स्टेप में इंडिकेशन दिया हुआ है 8.5 टू 9.0, जो हाई एल्कलाइन वाटर है, जिसमें आप चाय या कॉफी के लिए यह वाटर यूज कर सकते हैं और चावल कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या कोई हर्बल मेडिसिन आप यूज करें तो आप इस वाटर के साथ ले सकते हैं। अगर हम हायर एल्कलाइन वाटर में जाते हैं, नंबर 3 step में, उसमें आप देख पा रहे हैं अल्कोहल डाइल्यूशन या वेरियस कुकिंग, जैसे कि खाना बनाने में आप यूज कर सकते हैं, या फिर मीट में, नॉन वेज में भी आप ये वाटर यूज कर सकते हैं। 4th step जो कि हाई अल्कलाइन है, वो एलिमिनेट करता है बिटर टेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, मींस जो उसमें केमिकल्स लगे होते हैं, पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं, ये वाटर यूज करने से रिमूव हो जाएंगे। इसमें वॉशिंग का इंडिकेशन भी दिया है। कपड़े के स्टेन्स यानी जब रंग लग जाता है तो वो इस वाटर को यूज करने से आप निकाल सकते हैं। अब हम नीचे जाते हैं, इसमें एसिडिक का दिया हुआ है और सेम फिर से वैसे ही इंडिकेशन दिए हुए हैं। 1st step में दिया है कि आप इसे कॉटन बॉइलिंग या फिर फ्राइंग डो यानी आटे को तलने में या फिर एग्स बॉइल के लिए यूज कर सकते हैं। 2nd step जिसमें और ज्यादा एसिडिक वाटर है, इसमें टीथ को ब्रश करने के लिए या फिर स्किन केयर के लिए या फिर हेयर वॉशिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। और 3rd step में वॉशिंग मीट, फिश या ह्यूमिडिफायर या कैटल से सेडिमेंट रिमूविंग का दिया हुआ है। 4th step में वॉशिंग ऑफ डिश क्लोथ या डिश वॉशिंग या फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश के लिए आप यह वाटर यूज कर सकते हैं। देखा जाए तो इसमें बहुत से इंडिकेशन दिए हुए हैं। जैसे ऊपर हम देख पा रहे हैं, इसमें pH 4, pH 7, pH 8, pH 9.5 का इंडिकेशन दिया हुआ है। pH 4 में क्लींजिंग का ऑप्शन है, pH 7 में बेबी का ऑप्शन है, मतलब कि वाटर बेबी के लिए है। pH 8 में ड्रिंकिंग का इंडिकेशन है, pH 9.5 में स्टमक यानी डाइजेशन में जिसे प्रॉब्लम आ रही है उस कंडीशन में ये वाटर आप उन्हें अवेलेबल करा सकते हैं। इसके अलावा
और भी पीएच के इंडिकेशन इसमें हैं जो आप किसी को भी इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि एसिडिक के लिए कौन सा वाटर है या कौन सा कलर आएगा और एल्कलाइन के लिए कौन सा कलर आएगा, ये इसमें अलग से अदर इंडिकेशन दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं इस मशीन की अनबॉक्सिंग की। फ्रेंड्स, अभी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं कीवा नेक्स्ट जनरेशन वाटर आयोनाइजर की। ये आप देख सकते हैं आउटर बॉक्स, जिसमें काफी सारी डिटेल्स जो मशीन की अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये लोगोस आप देख पा रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि कंपनी कहां कहां से सर्टिफाइड है। इसके अलावा कंपनी के पास और भी सर्टिफिकेट जो है अवेलेबल है, ये कुछ लोगोस जो है ये यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। चलिए अब हम मशीन जो है इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं। देखिए, हमने बॉक्स ओपन कर दिया है और ये आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग कितनी शानदार है। इसकी सेफ्टी का कंपनी ने पूरा ध्यान रखा है। ये बाहर एक प्लास्टिक का बॉक्स है और इसी तरीके एक बॉक्स जो है वो नीचे भी है, सो दैट जो मशीन है उसे कोई भी हार्म ना हो। इसके साथ ये बॉक्स आपको कंपनी अवेलेबल करा रही है, जिसमें मशीन की एक्सेसरीज है, जैसे पीएच कलर चार्ट, ट्यूबिंग होस और भी बहुत कुछ जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मशीन को बाहर निकाल के देखते हैं। ये देखिए, मशीन को हमने बॉक्स से बाहर निकाल दिया है। इसमें दो प्लास्टिक के जो ये एक लेमिनेटेड जो बॉक्स है वो हमने यूज किए हैं ऊपर नीचे। इसके अलावा एक प्लास्टिक लेमिनेशन जो है ये भी हमने अलग से यूज की है, ताकि मशीन जो है इसे कोई भी स्क्रैच ना हो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। फाइन, अब हम ये नीचे वाला बॉक्स हमने निकाल दिया है और ये मशीन जो है ये अब दूसरे लेमिनेटेड प्लास्टिक में है जो हम निकालते हैं, और ये मशीन आपके सामने है। मशीन का डिजाइन बहुत ही परफेक्ट है, इसमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हमने यूज की है और ये मशीन आपके सामने है। आप देखिए, इसमें हमने फुली एचडी एलसीडी स्क्रीन जो है वो यूज की हुई है। सारे इंडिकेशन जो है वो इस स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं, एल्कलाइन एसिडिक सेटअप प्यूरिफाई वॉशिंग मोड। जब आप इस मशीन को क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी पानी का ऑप्शन चाहिए, जैसे 9.5, 10 या 11 पीएच का, तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्टैंड बाय पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फिल्टर्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, दो फिल्टर्स हैं। जब आप इसे स्लाइड करेंगे तो आप ये दो फिल्टर्स देख सकते हैं। इसमें भी फुली एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है। चलिए, अब इसके साथ ये जो बॉक्स अवेलेबल है ब्राउन कलर में, इसकी बात करते हैं। इसमें कंपनी ने मशीन की सारी एक्सेसरीज जो हैं यानी पार्ट्स अवेलेबल कराए हैं, जैसे पीएच कलर चार्ट, ट्यूबिंग होस, रबर सक्शन, पीएच टेस्ट ड्रॉप्स 1/2 वॉल्व, स्क्रू एंकर 2 ईए एल्कलाइन वाटर आउटलेट होस, ईयू 2 पिन प्लग।